तो दोस्तों फाइनली रियलमी ने लॉन्च कर दिया एक नया स्मार्टफोन जो कि आप लोगों के बजट में इस फ़ोन को रखा है। तो दोस्तों क्या आप लोग भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई स्मार्टफोन लें जिसमें सभी स्मार्ट फीचर मिल जाए आप लोगों को, अच्छी एक बैटरी मिल जाए, अच्छा प्रोसेसर मिल जाए, अच्छा एक स्क्रीन साइज मिल जाए। तो दोस्तों रियलमी ने आप लोगों के बिल्कुल ही बजट में इस स्मार्टफोन को सभी स्मार्ट फीचर के साथ में रखा है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को दो अलग अलग वेरिएंट ऑफ रैम और स्टोरेज के साथ में आ जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल ही आप लोगों के प्राइस में होने वाला, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को आज कि दोस्तों ये बिल्कुल ही आप लोगों के प्राइस रेंज में है। चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी फ़ोन का रिव्यू करने वाले हैं और आपको मैं इस फ़ोन के सभी स्मार्ट फीचर के बारे में बताऊँगा, क्या इसका प्राइस रेंज है, क्या इसके सभी स्मार्ट फीचर है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम इसके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त सर्विस, स्वागत है आप लोग हमारे YouTube चैनल पे, इसका नाम है सुपर टेक फॉर यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के सभी स्मार्ट फीचर के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में अगर बात करें इसके अगर वेट की, तो दोस्तों इसमें आपको 195 ग्राम का वेट मिल जाता है। और दोस्तों अगर साथ ही में अगर बात करें इसके आगे की तरफ के अगर सेंसर की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको फेस अनलॉक मिल जाता है और काफ़ी तेज़ी से ये काम करता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके साइड में, तो आपको एक ड्यूअल सिम सपोर्ट के साथ मिल जाता है, इसके अंदर आप ड्यूअल सिम लगा सकते हैं, साथ ही में एक मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नीचे की तरफ आप लोगों को एक स्पीकर मिल जाता है, साथ ही में एक चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसी फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, रन करता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके एंड्रॉयड की, तो दोस्तों ये आपको रियलमी UI 1.0 एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड मिल जाता है फ़ोन। तो दोस्तों अगर बात करें इसी के अगर सभी स्मार्ट फीचर के बारे में, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को ये फ़ोन मिल जाता है। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है इसके अंदर आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन जो है प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, पहले से जो भी आपके यूज़ में आने वाली एप्लीकेशन है वो आपको पहले से मिल जाती है। इसके अंदर आप आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो दोस्तों रियलमी ने आप लोगों को इसमें एक नया फीचर दिया है, काफ़ी अच्छा फीचर मिला है आप लोगों को। इसमें आपको फोकस मोड मिल जाता है या फिर रिलैक्स मोड बोल सकते हैं आप। इसके अंदर आप प्ले करके और बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं किसी भी साउंड को, काफ़ी अच्छी इसके अंदर आपको एक साउंड देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका भी आपको रियलमी फीचर दे रही है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर बात करें प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आप लोगों को MediaTek Helios G70 का प्रोसेसर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर यहीं पर बात करें इसके रैम की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको दो वेरिएंट ऑफ रैम भी मिल जाती है, 3GB 32GB और 4GB 64GB, दो आपको वेरिएंट ऑफ रैम मिल जाती है इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छी एक रैम और स्टोरेज मिल जाती है। दोस्तों रैम और स्टोरेज अच्छी होने के कारण इसके अंदर आप लोग पबजी जैसे गेम आसानी से खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है आप लोगों का ये पबजी का गेम, बिल्कुल ही लैग नहीं करेगा, आसानी से आप लोग खेल सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3GB वेरिएंट और 4GB वेरिएंट दोनों में आप आसानी से पबजी गेम को खेल सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको एक प्रोसेसर भी मिल जाता है और रैम अच्छा होने के कारण बिल्कुल देख सकते हैं आप जो गेम है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो दोस्तों यहीं पर अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी अगर है, तो दोस्तों आप काफ़ी अच्छा गेम भी खेल सकते हैं, साथ ही में काफ़ी देर तक भी मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस जो है बैटरी का देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों साथ ही में आप लोगों को देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक जो चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही में आप लोग को रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, 2 MP और 12 MP का दो कैमरे आपको बैक साइड पे मिल जाते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं फोटो की क्वालिटी आप कितने अच्छी जो है क्वालिटी है, देख सकते हैं बिल्कुल इसी फ़ोन से खींची हुई फोटो है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही होगी। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो फूल है ये भी कितना अच्छा है, बिल्कुल ही जूम करने के बाद भी बिल्कुल जो फोटो है बिल्कुल फट नहीं रही है, बिल्कुल ही क्लियर देखने को मिल रही है आप लोगों को। तो दोस्तों कैमरे के मामले में जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है आप लोगों को, काफ़ी अच्छी जो इसके अंदर फोटो है वो आपको देखने को मिलने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप बिल्कुल अच्छी फोटो इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसी के नाइट मोड के, तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा जो उसका नाइट में भी फोटोज है कितनी क्लियर आ रही है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसके अंदर आप लोगों को 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, मतलब कि दोस्तों 5 MP का कैमरा है आपका जो फ्रंट है, बिल्कुल ही क्लियर फोटो आने वाली है। दोस्तों अगर इसी के साथ बात करें इसके रिकॉर्डिंग की, तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लियर रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है आप लोगों को। दोस्तों बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल रात में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखने वाली है आपकी रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर लास्ट में बात करें इसके प्राइस की, तो दोस्तों ये दो
वेरिएंट ऑफ प्राइस के साथ में आ जाता है और दो वेरिएंट ऑफ रैम और स्टोरेज के साथ में भी आ जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो वेरिएंट है इसका वो 3GB और 32GB वेरिएंट के साथ में आ जाता है, उसका प्राइस है 8999। और जो सेकंड है इसका वेरिएंट ऑफ प्राइस जिसका है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में, तो दोस्तों उसका प्राइस है 9999। तो दोस्तों ये आपका दो वेरिएंट ऑफ प्राइस के साथ में आ जाता है। तो दोस्तों आप आसानी से इसको अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं, दोनों पर अवेलेबल है, आप आसानी से इसे परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी शॉप पर जाके भी इस फ़ोन को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा इस फ़ोन का रिव्यू और दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फर्स्ट बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी मिली या फिर इसी टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में। अगर दोस्तों कोई भी डाउट रह गया तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सभी सवालों का जवाब वहाँ पे देता रहता हूँ। तो दोस्तों लिंक जो है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, साथ ही अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी आप लोग को, वहाँ पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।